ओए ध्यान से, सारा सामान ध्यान से, अरे ध्यान से उतार सारा सामान, जल्दी आ जल्दी। हेलो, मीरा रोड के आगे हथियारों की तस्करी हो रही है। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये जाना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना उसे माल उतार रहे हैं, आओगे तो पकड़ सकते हो। बोलिए सर, मेरी बात सुनिए, आपके माल उतारने की खबर कोई पुलिस को दे रहा है। ए धर्मा, माल उतारने की खबर किसी ने पुलिस को दे दी है? पुलिस का फोन आया तो यही कहीं होगा, जाओ ढूंढो उसे जल्दी। अरे वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, पकड़ उसे, दो कैब से बाहर मत निकलने देना, कब तक साला को ही जल्दी संभालना, माल ला जल्दी। करोड़ रुपए का माल, इतने लोग सांड की तरह यहाँ पर खड़े हैं, इसी भरोसे पर तो मैं आराम से सोया था, उसे जी भर देखकर उससे मार खाकर यहाँ मुंह छुपाने चले आए। नहीं भाई, माल तो पहले से ही उतार दिया था, लड़के थोड़ा घबरा गए थे इसलिए। क्यों घबरा गए थे? मुंबई की सरहद से लेकर अलीबाग तक पूरे 150 मील तक फैला समंदर हमारे कंट्रोल में है। कौन है रे वो? उस अकेले ने 10 आदमी को मारा है, वो वाशी वाला डेविड ही होगा भाई। तुम्हें कैसे मालूम? उसने पहले भी हमसे छुपाकर 2 बार मीरा रोड पर माल उतरवाया था, इसीलिए डाउट हो रहा है उस पे। उसे छोड़ना मत, टपका दो, दूसरों में भी उसकी मौत से डर पैदा हो, इतनी बुरी तरह मारना। बोला बता है, मैं कुछ नहीं जानता। तो तू रात को कहाँ गया था? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुझे बताने की जरूरत नहीं तो तुझे जिंदा रहने की जरूरत। ऐसे पत्थर से बांध के समुद्र में फेंक दे। भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा भाई, मुझे छोड़। ओए ये सहाय कौन है कि मुंबई को पता चलनी चाहिए, जा जो देखा सबको बता। आगे फेंक दे इसे, फेंकना। क्वेश्चन पेपर किसी ने आउट कर दिया सर? सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैं ठीक से लगा कर गया था सर, लेकिन यहाँ तो सारे उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं।
कहाँ है वो नॉनसेंस? गो 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 गो। क्या है बे, कुत्ते को लेकर अंदर आ गया? अरे यही कुत्ते जिसने क्वेश्चन पेपर चुराया ना, उसकी गंध पहचान कर पकड़वाने वाले। क्या कहा? ये उसे पकड़वाएंगे तो क्या, तेरी तरह किचन में जाकर बीड़ी पिएंगे क्या? साले नशेड़ी कहेंगे। लेकिन ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? सर जी, कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है, इस बात की खुशी मनाइए। टेंशन मत दो सर, चलो चलो, कम ऑन जॉनी, लेट्स गो ऑन सच द सेफ। गो 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 गो। मुझे डाउट हो रहा है, ये कुत्ते पकड़ पाएंगे भी या नहीं? अच्छा बता, लुंगी के नीचे तूने चड्डी पहनी है क्या? नहीं पहनी, क्यों? तो फिर पीछे आ जा, जॉनी को डाउट हुआ तो लुंगी भी खींच लेगा। जॉनी जॉनी जॉनी, सुसु करने जा। मुझे लगता है तुम्हारे कुत्तों को सुबह से भूख लगी थी, टॉयलेट की जगह को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मुझे एनिमल वेलफेयर वाले भले पकड़ के ले जाए, लेकिन इन तीनों कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, इन सबकी वाट लगा दूंगा। अबे यार, दो ही कुत्ते तो अंदर गए हुए हैं, अबे तीसरा तो वही है, बोल बोल कर कुत्तों का मुंह आउट कर दिया। अरे रुक जा, एनसीसी मास्टर को बुलाओ यहाँ। अरे सामने से तेज चल। सर, हेडमास्टर साहब ने आपको तुरंत बुलाया है। टेढ़ी मूंछों वाला एनसीसी मास्टर यहाँ आ रहा है, वो पता लगा लेंगे क्या? मिलिट्री वाले भी पता नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स तो कम नहीं हुए हैं, स्कैनर भी ऑन नहीं हुआ है, जेरॉक्स से कॉपी भी नहीं की, हाथ से लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता। मोबाइल फोन से फोटो या वीडियो लिया होगा। फोटो या वीडियो क्यों लेगा, ये ताजमहल या दिल्ली का लाल किला है क्या? मैडम, न्यू पेपर प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? इनको साड़ी पहनने में लेट होता है, बाकी सब तो फटाफट। एक घंटा लगेगा सर। प्लीज प्रोसीड। सर, आप पुराने पुलिस वाले जरूर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ऐसे सीरियसली काम कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर निकाल कर फ्रेंच दाढ़ी वाले फिजिक्स टीचर के न्यूज़पेपर में घुसा देता हूँ, आप ढूंढने का नाटक करना, फिर ढूंढ लेना। क्यों मक्खी? मैं आपको प्रमोशन दिलवाऊंगा, आप मुझे बियर दिलवाना। एक कड़क थप्पड़ मारूंगा ना तो दांत के टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े करके आप गोटियां खेलेंगे क्या? नहीं के, मैंने कहा तेरे दांत तोड़ दूंगा। क्या हुआ? सीधे जाकर मदन लाल रोड वाले भजन लाल के भाई कीर्ति लाल की बेटी पिंकी लाल को पटाकर पटाकर पूरी ताकत से एक हफ्ते तक बिना खाए पिए दिन रात सोए बिना मैं अपने दांत ब्रश कराऊंगा। क्वेश्चन पेपर गायब हो गया, उसमें तो ये टेढ़ी मूछ ऐसे खड़ा है जैसे खेत में बिजू का खड़ा हो। मर्डर केस होता तो ये कपड़े फाड़ कर सलमान खान बन जाता। बाल इतने लंबे लंबे क्यों बढ़ा रखे हैं? वो सर, कल छोटे करा लेना। जी सर। सर, आप क्वेश्चन पेपर के चोर को पकड़ने वाले थे ना, क्या लंबे बाल बिना नहाए ब्रश ना करने वाले बच्चों को पकड़ रहे हैं? हाय सानिया। हाय। एग्जाम की तैयारी हो गई? प्रैक्टिकल्स है ना, उसकी पढ़ाई तो कल ही कर ली थी। सानिया, काम्या, मी सर, ये जगत राज की भतीजी है, अगर इस पे शक किया ना तो अपने जूते अपने ही सर पे मारने पड़ेंगे। क्या बात है, आज चश्मा पहन के आई हो? मेरा कॉन्टैक्ट लेंस कहीं खो गया है, ऑर्डर किया है। क्यों सर, स्कूल में चश्मा पहन कर आना गलत है क्या? क्वेश्चन पेपर चुराना गलत है। मी? क्वेश्चन पेपर? यस्टरडेज मैटर सर, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सर, हाउ कैन हे यू सी समथिंग? ऑलरेडी मैंने आपके बारे में इनको बता दिया था मैडम। ऑफिस में चोरी छिपे अपने मोबाइल फोन से क्वेश्चन पेपर की फोटो लेते वक्त तुम्हारा कॉन्टैक्ट लेंस वहीं गिर गया था। ये मेरा नहीं है सर। ए, ये बॉशन लॉम है, -0.75, शॉर्ट साइटेड, 15 डेज वंस यूज एंड थ्रो कैटेगरी। ये तुम्हारा यूज किया हुआ लेंस है, मैंने करण ऑप्टिकल से कंफर्म कर लिया। कल चार पैर ऑर्डर किया था ना, ये रही उसकी ऑर्डर कॉपी। सॉरी सर। यही तुम्हारी पढ़ाई है क्या? कंप्यूटर साइंस की मैडम ने पूरी क्लास को धमकी दी थी कि वो सारे बच्चों को एक साथ फेल कर देंगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि डोंट गिव सिली एक्सप्लेनेशंस, तुम्हारी वजह से स्कूल की बदनामी होगी। हेडमास्टर से कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, टीसी कटवाऊंगा तुम्हारी। सर, अगर मेरी यहाँ की नौकरी छूटी ना, मैं रेलवे स्टेशन पर टीसी बन जाऊंगा। शट अप। मैम, 20 सेकंड। सानिया के पुराने रिकॉर्ड्स दिखाइए मुझे। ओके सर। दो थप्पड़ मारते तो भी चलता, पर सबके सामने मुझे पनिश करेंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ए सानिया, लगता है तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह नो। 12th स्टैंडर्ड सानिया, कम फॉरवर्ड। सानिया, काम्या,
स्टूडेंट्स, आज सानिया का बर्थडे है, सभी विश कीजिए इसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। सर, लड़की की जगह कोई लड़का होता तो आप उसकी बैंड बजा देते, लेकिन गुलाब की कली जैसी सुंदरी थी इसलिए हैप्पी बर्थडे गवा कर छोड़ दिया है ना। क्या बे मक्खी, पनिश करने के लिए रिकॉर्ड निकाला था, तब मुझे पता चला कि आज उसका बर्थडे है, कैरेक्टर अच्छा है, हर साल अच्छे नंबर से पास होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन चोरी करना गलत है ना। चोरी करना गलत है तो चोरी करवाना भी गलत है। उस लड़की को सजा दी तो टीचर को भी देनी पड़ेगी। उसका बर्थडे था इसलिए पीरियड टाइम पर सबसे उसे विश करवाया। अब तू वो सब छोड़, ये बता बोट चलाना कब सिखाएगा और अपना एरिया कब घुमाएगा। सर, उसमें देखना दिखाना क्या, स्विट्जरलैंड है क्या? जिधर भी नजर घुमाओ टूटी फूटी बोट दिखाई देगी, कब्रों में पांव लटकाए दो चार बुड्ढे भी दिखेंगे, समंदर किनारे नमक दिखेगा, सड़ी हुई मछली की बदबू आएगी। सर, यही है हमारा एरिया, संभल कर पैर के नीचे कुत्ते का केक आ जाएगा। सर, वो सुकड़ा बम्बू काला टकला दिखाई दे रहा है ना, वही है सहाय। ये पत्थर बांधकर समंदर में फेंक कर मारने की टेक्निक इसे नहीं जाती है सर। ये सब किसकी हिम्मत से कर रहा है भाई? ये सर बहुत बड़ा आदमी है, पूरे मुंबई की नमक का किंग है वो, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दबाकर अपने बगल में घुसा के रखा है सर। लेकिन इनको भी डरा कर रखने वाला एक आदमी है सर, जगत राज। कौन है ये जगत राज? हमारे स्कूल में हैप्पी बर्थडे वाली वो गुलाब की कली है ना, सानिया, उसका चाचा है सर। शिप कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बहुत सारे बिजनेस है सर, लेकिन आदमी सीधा है, आड़ा टेढ़ा कोई काम नहीं करता है। टाइम्स अप, एक घंटे तक आप कोई डिस्टर्ब मत करना। सर, सेंटर मिनिस्टर। क्या हुआ जगत राज, सुबह सुबह वॉकिंग में डिस्टर्ब कर दिया क्या? नो नो सर, इट्स ऑल राइट। वाशी और बेलापुर के बीच एक नया हार्बर बनाने का प्रपोजल आया हुआ है, 6 महीने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक काम करो, रेट कम रहते ही उस एरिया में 500 एकड़ जमीन ब्लॉक कर दो। ये कौन है यार? सभी लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं और ये आदमी उल्टा वॉक कर रहा है। सर, भाई यही वॉकिंग कर रहे हैं। सर, हम लोग निकल लेते हैं, भाई और जगतराज सामने सामने, पंगा कंफर्म है। साला कस्टम ऑफिसर है तो क्या किसी भी जहाज में घुस जाएगा? अरे इसे समुद्र में मार के फेंकने के लिए मैं भाग आ रहा था, आपने इसे सबके सामने मार दिया। किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया तो क्या करेंगे? साला इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे खिलाफ बोले? माँ, बेटा खाना खाया? हाँ खा लिया माँ। काम के लिए मुंबई गए हो, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो आ सकता है ना? थोड़ा काम में बिजी हूँ माँ, अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। कितने दिन हो गए तुम्हें देख के, अपने माँ बाप से मिलने का मन नहीं कर रहा है क्या? ठीक है माँ, जल्दी आऊंगा। सुनिए जी, बात कीजिए। कौन है? सूर्या, आपका बेटा। कोई बात नहीं, फिर बात कर लूं। बात कीजिए ना। क्या हो माँ, पापा है? हाँ। मुझसे बात नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं रखता हूँ। अपने बेटे से थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, बात कर लूंगा। तेरी माँ का साकिना का। तुझे साकिना का क्यों जाना है, मुझे अच्छी तरह मालूम है बलबीर पाशा। वो सब छोड़ बे, तू इतना पतला कैसे हो गया? तो क्या करूँ यार, स्कूल में एक भी ढंग का टीचर है ही नहीं। किस टीचर की बात कर रहा है बे? वो जो इंग्लिश वाली टीचर है ना, वो समझ में नहीं आता यहाँ ग्रामर पढ़ाने आती है या ग्लैमर पढ़ाने के लिए। उसके ब्लाउज का पीछे वाला जो छेद है ना, वो मेरे घर की खिड़की से भी बड़ा दिखता है। तो बाकी के टीचर? वो बदतमीज हिंदी का टीचर,
वो आधा पागल केमिस्ट्री का टीचर और दिमाग का दे इतिहास का टीचर। पूरा स्कूल ही वेस्ट है क्या? झिंगुर मुंह का ढक्कन बनकर, स्कूल कैसे वेस्ट हो सकता है? कुल मिलाकर 16 एकड़ है, उसमें बिल्डिंग 2 एकड़ है, बाकी का 14 एकड़ जो है उसे अलग करके बिल्डर को बेच देंगे, फिर हम दोनों को 6-6 करोड़ मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ से भागकर अंडमान निकोबार चले जाएंगे, वहाँ खुद का आइलैंड खरीदेंगे, बिता सकते हैं, मौज मस्ती की जिंदगी बिता सकते हैं। अब हमें स्कूल की रेपुटेशन की बहुत चिंता है, इसलिए सीरियसली डिस्कस कर रहे थे सर। जो हम सब की बुराइयां कर रहा था ना इस माइक के जरिए, हम सब सुन रहे थे। हम सब बहरे लगते हैं, ये ऑन लगता है, साफ करते समय ऑन हो गया होगा। अबे खुसट लंगड़े गधे, मेरे कंधे पर बंदूक रख के फंसा दिया। तू हमेशा की तरह बाहर निकल जा। नहीं सर जी, हमेशा की तरह आप मुझे माफ कर दीजिए सर। त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्यात्रा मैडम, त्वमेव त्वमेव देव, त्वमेव सर। आप कट्टी सस्ती पहनते। पीछे मुड़। सर, हाउ आर यू मिस्टर सिंघम? क्या डेवलपमेंट्स हैं? कोस्टल एरिया की टाइटली पूरी तरह सर्वेलेंस कर रहा हूँ सर। हम जैसा सोच रहे थे वहाँ हथियारों की तस्करी नहीं हो रही, कुछ और ही हो रहा है। हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग गलत लोगों की मदद कर रहे हैं सर। तो कोई और प्लान? डिपार्टमेंट में होने वाली सारी बातें मुझे जानना जरूरी है सर। प्रीवियस मिशन में रविकांत ने मेरी मदद की और SI प्रमोट हुआ था। हरि पांडे और दामोदर की यहाँ पोस्टिंग करने के तो मेरे लिए यूजफुल होगा सर। ठीक है, मैं तुरंत करता हूँ। थैंक यू सर। और बताओ, शादी के बाद की लाइफ कैसे चल रही है? नहीं सर, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? शादी की परमिशन लेने के लिए ही काव्या को लेकर मैं अपने घर गया था सर। नौकरी छोड़ देने की वजह से नाराज होकर पापा ने शादी के लिए इनकार कर दिया, पर हम मुझसे बात ही नहीं करते। I'm sorry, Singham. It's okay, sir. Thank you, sir. सर, आप स्कूल के बच्चों को बाया मुड़ पीछे मुड़ कहते हो। बाया मुड़ तो मैं समझ गया, लेकिन पीछे मुड़ क्या होता है? हैं? वो भी ना मक्खी है। वो NCC का कमांड होता है। कमांड होता है। रिमांड और डिमांड सुना था, ये कमांड क्यों नहीं सिखा रहे पिंकी लाल? मक्खी, देर का टाइम हो गया, जल्दी से झंडा फहराने की तैयारी करो। ठीक है सर। किसने मेरे बेटे को मारा? किसने इसे मूर्खा बनाया? क्या बे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम सारे लोग यहाँ गाना गा रहे हो? क्यों रे? मैं इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना, या तुम लोगों से पिटवाने के लिए भेजा था? किसने तुम्हें मारा था मुझे बता। ये था, ये था, या फिर ये था क्या? टीचर पापा, मैं तू उधर जा। तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसे मूर्खा बनाया तूने? स्टूडेंट्स, अपनी अपनी क्लास में जाओ। जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अबे तूने किसके हाथ उठाया? बाहर निकल जाओ, ये पढ़ाई लिखाई की जगह है, बाहर निकल जाओ। कहा ना मैंने? ओए रोड लगी आ रे। हेलो पुलिस स्टेशन। और 50 टीचर सावधान खड़े हुए हैं, और तू एक आवारा कुत्ते की तरह स्कूल में घुसा।
माता पिता गुरु देवता समान होते हैं, ऐसे गुरु पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? किस देश के इंसानों तुम लोग? दारू पीने का चलन इतना हो गया है कि पार्टी के झंडे और राष्ट्रीय झंडे में तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता। आज गुरु से मार ना खाने वाला कल को क्रिमिनल बनकर पुलिस से मार खाएगा। आज स्कूल में मुर्गा ना बनने वाला कल को जेल में दूसरों के सामने मुर्गा बनेगा। मासूम बच्चों के दिल में भय क्यों पैदा करते हो? आदर्श बाप बनकर दिखाना। फिल्मों की तरह फाइट सीन खत्म होती पुलिस आ गई। स्कूल में आकर झगड़ा करते हो? उठ बे, गाड़ी में बैठ। अरे तो बता, इतनी बुरी तरीके से इसे किसने मारा है? मैंने। अरे तुम स्कूल मास्टर हो या कुश्ती के मास्टर, इतने बुरी तरीके से मारा? देखिए, उन्होंने पहले यहाँ स्कूल टीचर को मारने की कोशिश की। वो सब ताले चलकर बताना। मैं एक एनसीसी मास्टर हूँ, मुझे अरेस्ट करने के लिए मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर चाहिए या फिर एनसीसी बटालियन के कमांडेंट चीफ ऑफिसर। तुम चाहो एनसीसी हो या बीएससी, वो सब मैं नहीं जानता। उन्होंने तुमसे झगड़ा किया तो गाड़ी में बैठा दिया, तुमने उन्हें मारा है तो तुम भी गाड़ी में बैठो। ए आग की अंधी, तूने ही पुलिस को फोन करके बुलाया ना? अच्छा होता अगर उस दिन टीसी कटवाकर तुझे बाहर कर दिया होता। उन्होंने तुझ पर दया दिखाई, उसी बात का बदला लिया क्या? नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ। अरे तूने जानबूझकर किया है, एक बार सर को बाहर आने दे, तेरे मुंह पे बाल्टी मारकर भरतनाट्यम करवाऊंगा। रुको भैया। तुमने ही पुलिस को फोन किया था? सॉरी सर। स्कूल में इतने लोग चुपचाप खड़े थे तो तुमने ही फोन क्यों किया? वो क्या है सर, उन गुंडों की वजह से आपको कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा। प्रॉब्लम के समय ऐसे खड़े रहने के बजाय हमें ऐसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। सर, हे, कैसे हो? हम ठीक है सर। मुझे क्यों सलूट कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आप हमारे सीनियर हैं सर। अरे छोड़ो, अंदर आओ। यस सर। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? सर, मेट्रो सिटी में हंगामा करने वाले मेंटर रवि को मैंने मार गिराया, इसलिए इमोशनल होकर आईजी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और इस बैड सिटी के सारे गुंडों को तोड़ने के लिए मेरे हाथ में ये डंडा देकर मुझे भेजा है सर। अरे आप अचानक एनसीसी मास्टर कैसे बन गए सर? कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला था। 21 दिन ट्रेनिंग के लिए नागपुर होकर आया और एनसीसी मास्टर बन गया। काव्या मैडम कैसी है सर? इंतजार कर रही है मेरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काव्या। यस डैडी। ड्राइवर मुकेश बड़ी खुशी के साथ हमें सपरिवार अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कार्ड देकर गया है, लेकिन मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरी बेटी की शादी कब है मुझे पता ही नहीं। वो सूर्या ने 6 महीने वेट करने के लिए कहा है मुझे। नो वे, हम अभी उसके घर चलते हैं। वो क्यों शादी नहीं करना चाहता, मैं सीधे उसके पापा से जाकर पूछता हूँ। आप क्यों? सूर्या को मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। अरे पांडे जी, गाड़ी रोको। ठीक है सर। क्या हुआ काव्या? तुम्हारे सामने शादी की बात करना ठीक नहीं होगा। मैं और तुम्हारी माँ बात करके आएंगे, तुम दोनों घर जाओ। वहाँ की सारी हलचल लाइव वीडियो पर देखनी है। ओके। ओके डैडी। ये लीजिए। नो थैंक्स। मेरे और मेरे परिवार का सम्मान करके रिश्ते की बात करने आए हो? क्या बोलूं, को समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों लड़कियां भी ना, जब से आई हैं लैपटॉप लेके बैठी हैं। दादी, ये लैपटॉप है। मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसी वजह से मैं अचानक चला आया। क्या बच्चों, फिल्म देख रहे हो? जी दादाजी। दादाजी क्या बात है, सारे लोग खामोश बैठे हैं। ये बताइए, आप अपने किराने की दुकान से सामान साइकिल से सप्लाई करवाते हैं या फिर वैन से सप्लाई करवाते हैं? रिश्ते की बात करने आई हो कि सामान खरीदने आई हैं? वो सभी शांत बैठे हैं ना, इसलिए फिलअप करने के लिए। शट अप। दीदी जी जो आइडली क्यों खड़े हैं, कुछ बोलने के लिए बोलो ना। वहाँ तुम क्या कर रहे हो, कुछ बोलो तो सही। मैंने सब कुछ बोल दिया है, पता नहीं मामला आगे बढ़ नहीं रहा है। देखो तुम, डोंट मेक मी फूल। सूर्या तुम तो वहाँ दादी के बाजू में ही खड़े हो। मैं देख रही हूँ तुम्हें। कैसे, कहाँ से? माँ वहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रही है। माँ मोबाइल से सारा लाइव टेलीकास्ट करा रही हैं, आप इसे बंद करवाइए। ये लीजिए। आई एम लिटिल बिजी, मैं बाद में लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं, ले लीजिए। बस मेरा बेटा अगर पुलिस की नौकरी में ही होता तो इस रिश्ते को हंसी खुशी स्वीकार कर लेता मैं, लेकिन अभी उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। इसमें क्या है, इंडिया साइकिल्स की तरह इंडिया ट्यूब्स के नाम से मुंबई में एक कंपनी खोलकर दमाजी को वहां बैठा देंगे, 100 लोगों को और नौकरी मिल जाएगी। ऐसी ही बातों से मैं डरता था। अगर वो मेरी बात ना मानने वाला बेटा होता तो ठीक था, इसे मेरा ही बेटा रहने दो। मैं समझा नहीं, आप लोग यहां तक आए बहुत धन्यवाद। माँ
माँ मुझे नाराज हो आप। किसी ने भी साथ नहीं दिया तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। बस कुछ दिन और माँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अजूके? थोड़ा संभल कर आ सकते थे ना? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा एक्सीडेंट। मेरे गाने के बीच में कौन भौंक रहा है सर? नाच रहा है कोई खास यार? इनकमिंग सर, दीवानेपन में डांसिंग सर। कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, रविवार सोमवार हो गया है सर। जंग लगे इस दिल के थिएटर में एक हसीना ने एडवांस बुकिंग कर ली है सर। आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, पता है वो कैसे दिखती थी सर? वो रही हसीना सर, ध्यान से देखिए, अरेबियन घोड़ी है सर। घोड़ी को आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जू में देखा होगा, और तो और रेस में भी देखा होगा, लेकिन घोड़ी को कभी चूड़ीदार में आते देखा है? दिल तो करता है इसकी पीठ को निचोड़ दूं। पीलू जीलू, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ गए? मेरे पहले वो चले गए। हाय हाय, क्या हुआ काव्या, तुम यहाँ? I didn't expect you to... वो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे बाप रे, मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली। काव्या, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं तो? जरा सा भी नहीं। अगर तुम इतना बड़ा काम छोड़कर यहाँ आए हो तो जरूर कोई खास कारण होगा। तुम्हें वो मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना ही मैं पूछूंगी। क्यों? Because I love you. I love you so much. त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव देव मम देव। दूसरी बार बोल रहा हूँ, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव देव मम देव देव। अरे रुकिए, बच गया। इतना खींचने पर भी पैंट नहीं उतरी। वो चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। भाई हम लोग तैयार हैं, रात को माल उतर रहा है ना? अभी तक डैनी की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, बस आने ही वाला है। ठीक है भाई। भाई ये डैनी कौन है? मुंबई में हमारे भाई किंग हैं। वैसे तो वो पूरी दुनिया के डॉन हैं। खुद के जहाज में माल डालकर हर एक देश में सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पता है? तो अपने देश में क्यों आए हैं भाई? अबे ओए, वो 12 साल से किसी भी देश की जमीन पर नहीं उतरे हैं। वो जहाज में ही बिंदास इंटरनेशनल बॉर्डर पर घूमते रहते हैं। यही नहीं, कई मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्हें देखा तो समझो साक्षात यमराज को देख लिया। Australia and start my drug business. No, never. Even if we die, we won't let you enter Australia. After you die, how can you stop me? Stop me, man. Stop me. Dead. Mamai. King of the Indian Ocean. डैनी का फोन आ गया है। भाई माल कब उतरा? आज अलीबाग में उतरने वाला है। सर अली पांडे कहाँ लगी ड्यूटी? अलीबाग में मैं ड्यूटी कर रहा था सर। तो अचानक डीएसपी ने फोन करके आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, सीधे थाने चले आओ कहा, इसलिए मैं वापस आ गया सर। ओ ओके। हेलो बोलिए सर। सहाय घर पर है, जरा देख कर बताना मुझे। क्या हुआ सर? एक पंगा है, देख कर बताना सर। वो काला टकला घर पर नहीं है सर, शायद समंदर में डुबकी लगा रहा होगा। ठीक है। नमक की सारी बोरियां गाड़ी में लोड हो गई ना? मैं गाड़ी लेकर चलूं? अरे ओ भरी है। चलो 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 चल
अरे फटाफट उतार, क्या कर रहा है? चल चल चल, सामान के कार भाई, चल को नीचे। अरे भाई यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? पिछली बार गड़बड़ हो गई थी ना, इसलिए तुम काम चालू रखो। चलो ब्राउन शुगर। बाल कड़क है भाई। सुन सर, मुझे अपने एरिया के चर्च के फादर से इंट्रोड्यूस करवा देगा? मुझे उनसे कुछ काम है। दरअसल वो आदमी किसी काम का नहीं है सर, फटे पुराने नोट की तरह, जाने दो। ओए, फादर से तेरा क्या पंगा है? एक दिन उनकी चड्डी से मैंने अपनी साइकिल साफ की थी। तो ठीक है, किसी दिन उनसे मिलकर माफी मांग लेना। माफी मांगने से क्या फायदा होगा, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे क्या? कैसा है तू मक्खी, तुझे मार देंगे। सर मैं सानिया बोल रही हूँ सर। स्कूल टाइम पे फोन क्यों किया? सर मैं स्कूल आ रही थी तब कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। क्या? सैंडर्स रोड के चर्च के पास हूँ सर, जल्दी आ जाइए ना प्लीज। मुंबई में तीन तरह की क्लाइमेट होती है, पहली धूप होती है, दूसरी बहुत धूप होती है, तीसरी भयंकर धूप होती है। इसलिए पाइस वाला बहाना मेरे साथ मत बनाना, समझा? क्या हुआ सर? ये तो किडनैपिंग का केस है सर, हम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे सर। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। हाँ। मैं ऊपर जा, जैसे पुलिस आ जाए तुम उन्हें लेकर आ जा। ठीक है सर। अपनी गन दो मुझे। सर गन कैसे? मैं होगा गन दो ना। रुके, कोई है क्या वहां? क्या हुआ सानिया? ए, तुम शांत क्यों हो? आर यू ओके? किसी ने किडनैप किया था ना, पहचान सके उन्हें? सर नहीं सर, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया, मैंने क्या झूठ बोला? इडियट, क्यों झूठ बोला तुमने, बोलो। आपसे अकेले में बात करने के लिए। अकेले बुलाकर क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी? I love you sir. Idiot, stupid. पागल हो गया तुम? मैं तो घबरा ही गया था ना, तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि अब तक ये खबर पूरे शहर की पुलिस पोस्ट तक पहुंच चुकी है। वहां देखो पागल, चेन उतार कर दो मुझे, जल्दी चेन उतार कर दो। पुलिस ये कह रहा कि किडनैपर चेन लेकर भाग गया। अच्छा हुआ तू सही सलामत घर वापस आ गए। कौन होगा, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे घर की लड़की को हाथ लगाया? वो अपने शहर का तो नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, छोड़ना मत उसे। देखो जगत, जल्दबाजी मत करो। नहीं भैया, गोल्डन शिपिंग की फैमिली को किसी ने हाथ तक लगाया तो उसकी सांस रुक जाएगी, ये दिखाना है। सैंडर्स रोड पर 11 बजे से 12 बजे के बीच कौन कौन बोट लेकर समंदर की तरफ गया है उन सबसे पूछताछ करो। उसके हाथ पैर काट कर कंटेनर में डालकर दमनदीप में फेंकवा देना। पुलिस में जाने की बात प्रेस को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है सानिया, मुझे उस एनसीसी मास्टर से मिलना है जिसने तुम्हारी मदद की है। वो चाचा जी, बुलाओ उन्हें। जी। गुड मॉर्निंग सर, एमडी साहब बीच समंदर में हैं। ये सब एमडी साहब के फैमिली के व्हीकल्स हैं। वीकेंड्स में फैमिली के साथ एमडी साहब शिप पर ही रहते हैं। सर कॉफी, चाय या गुलाब? गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, चाचा जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। Thank you.
सूर्या सिंह हूँ। दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस? वो पुरानी बात है, अब सिर्फ एनसीसी मास्टर हूँ। ओह प्लीज सिट डाउन। यस थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नहीं मैं पीता नहीं हूँ। आओ ना माँ। सर वो मेरे पापा है, वो मेरे मामा, ये माँ और ये चाची। जी असिस्टेंट कमिश्नर टू एनसीसी मास्टर, कैसे? नहीं सर, मेरे पापा को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, उनका दिल ना दुखे इसलिए मैं रेजिग्नेशन देकर इस शहर में चला आया। ये लीजिए खाइए ना। नहीं नहीं थैंक यू। ये ताजी मछली है खाइए ना। नहीं माँ जी, हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं इसलिए हम मांस मछली नहीं खाते, मेरी माँ ने मुझे कहा था। माँ बाप की बात बहुत मानते हो। वही तो सब कुछ होते है ना सर, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किन की बात मानेंगे। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया मैं आपके कुछ। नहीं नहीं थैंक यू, इनफैक्ट आपने मुझे बुलाया मुझे खुशी हुई। आई टेक योर लीव सर, चलता हूँ। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते चाचा जी, मैं नहीं छोड़कर आती हूँ। आप आए, थैंक यू वेरी मच सर, मेरी फैमिली में आप सबको बहुत पसंद आए, आप भी तो उनके साथ इमीडिएटली मर्ज हो गए। मर्ज वगैरह की बात करके मक्खन लगाओगे ना तुम गए रख के। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कभी इश्क विश्क नहीं हो सकता। Keep that in your mind and change your attitude. हेलो सिंगम सर, मैं मुंबा देवी के दर्शन करने आया हूँ। और अभी गेस्ट हाउस में ही, थोड़ी देर में मुझसे मिल सकते हो? विदिन एन आवर आई विल बी देयर सर। गुड मॉर्निंग जगतराज जी, नाम मिस्टर सूर्या सिंघम, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंबई। अभी उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है पता करके बताओ। आओ आओ सिंगम सर। एनी डेवलपमेंट्स सर? मुंबई में हथियारों की तस्करी नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है। मुंबई के वेस्टर्न एरिया को पूरी तरह से हब बना कर रखा है। ये क्या कह रहे हो? पूरी मुंबई में एटलीस्ट 250 कॉलेजेस हैं और 850 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं सर। एक कॉलेज के अगर 10 बच्चे और एक स्कूल के अगर 5 बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं तो एक साल में 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है सर। एक स्टूडेंट अपने नाखून में भी रख के उसका इस्तेमाल कर सकता है सर, उसके पेरेंट्स को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। एडिक्ट और बीमार होकर जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तभी पेरेंट्स जान पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में कई जगहों पर ड्रिंक पार्टी करने के बजाय ड्रग पार्टीज करने का कल्चर जोर शोर में चल रहा है सर। इसमें परेशानी वाली मुख्य बात है नाबालिग लड़कियां जो इसकी चपेट में आ रही हैं सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सारे अधिकारी सो रहे हैं? नहीं सर, कई ड्रग पार्टीज में छापा मारा जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है लेकिन वो पुलिस अप्लाई का 5% भी नहीं है। जब इतनी छानबीन कर ही ली है तो फौरन चार्ज क्यों नहीं ले लेते हो? अगर अभी चार्ज लिया तो सिर्फ भाई और सहाय को ही मैं अरेस्ट कर पाऊंगा, पक्के सबूत के साथ कि कहां कहां से ड्रग्स आता है, कौन कौन उसे सप्लाई करता है और किस किस को ये बेचा जाता है। जब तक ये डिटेल्स मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं चार्ज नहीं लूंगा सर। पूरे गिरोह को अपने हाथों में दबोच कर पकड़ना है सर। फ्यूचर में भाई और सहाय के खिलाफ हम जो कदम उठाने वाले हैं उसमें जगतराज भी हमारी हेल्प करेगा ऐसा मुझे लगता है। ये जगतराज कौन है? वो यहां का नंबर 1 बिजनेसमैन है। आपने सूर्या सिंघम के बारे में जो डिटेल मांगी थी वो मिल गई है। 100% ही इज नॉट इन द डिपार्टमेंट। उसकी सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ इंक्लूडिंग पेंशन बेनिफिट सब सेटल हो चुका है। ओके मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह लड़कों की परेड है, वृंदावन होटल से नाश्ता मंगवा देना। हाँ ठीक है सर। अरे ये स्कूल टाइम पर कहाँ जा रही है जरा पूछो इसे। ए सानिया कहाँ जा रही हो? नहीं बताऊंगी। तुम नहीं बताओगी तो क्या न्यूज चैनल वाले बताएंगे? सर को बताओ कहाँ जा रही हो? मैंने स्कूल आना छोड़ दिया है, टीसी लेने की एप्लीकेशन देने आई थी। टीसी किस लिए? एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती ऐसा एनसीसी मास्टर ने कहा है। अब तो मैं स्टूडेंट नहीं रही तो प्यार तो कर सकती हूँ ना। पहले ये बताओ तुम प्यार किससे करती हो? अरे अपने एनसीसी मास्टर से ही। क्या बक रही हो? क्या बक रही हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह आओ। आज फरवरी 14 है, मेरी तरफ से सर को विश कर देना। हैप्पी वैलेंटाइन डे। छोड़िए ना सर, उम्र रहते लड़की पड़ती है, उम्र ढलते शुगर बढ़ती है, आम बात। ये मक्खी तू ना जाने दीजिए ना, समझती नहीं सीन, बजाती है अपनी बीन। प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी सर। कुछ गलत कहा तो कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, थोड़ा नरमी से बात करनी पड़ेगी। अब तू किसी के सामने उल्टी मत कर देना। मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ सर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे काम का। किसकी हिम्मत जो मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोले? अरे ओ टीचर जी, मैंने आपको फूल नहीं मारा, मैं जानता हूँ आप एक बड़ी बारीक प्रोडक्ट है, आपकी शादी होगी, आपके 3 बच्चे, नहीं नहीं आपके 3 बच्चे हैं, मैं जानता हूँ आपको कैसे फूल दे सकते हो। मैडम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव 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 देव मम देव देव। छोड़ ना, छोड़ मेरी सारी मेरी शादी होगी, सारी सारी का क्या, छोड़ त्वमेव। चलो अच्छा हुआ अफ्रीकन मादा गोरिल्ला मुझ पर तांडव करने वाली थी, मैं बच गया। चलो चलो Happy Valentine's Day. मैडम आप क्या कर रही हैं? फ्रेंड्स के साथ वैलेंटाइंस डे के लंच पर आई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कपल के साथ ही एंट्री है।
और मेरा कपल तो मुंबई में परेड करवा रहा है। तो फिलहाल तुम्हें अंदर जाना है, यही ना? तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? किस सुलू ने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ? Are you here? It's unbelievable. तुम्हें देखने का मन हुआ तो 10:45 की फ्लाइट से आ गया। सर स्कूल की छुट्टी कर दे रहे। क्यों? शहर में चारों तरफ बबल मचा। क्या हुआ? कल उस सहाय और सत्येंद्र के बीच दारू के नशे में बियर बार में झगड़ा हुआ था सर। उसके बाद लड़के ने सहाय की जात का नाम लेकर गंदी गंदी गाली दी सर। फिर सहाय ने धमकी दी सर कि उसकी बहन को उठाकर रात भर उसके साथ बलात्कार करेगा। अब उसकी बहन को उठा भी लिया है सर। तू किसी से कुछ मत कहना, मैं संभाल लूंगा। सर एक लड़के को भी काट। इंस्पेक्टर पांडे, कोई जाति विवाद हुआ है क्या? हाँ सर, दोनों ग्रुप को कलेक्टर ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया है। सर क्या हुआ सिंघम, मुंबई में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? शराब के नशे में मेरी बेटी को किडनैप कर लिया सहाय ने। तुम्हारी बेटी को सहाय ने उठाया तो इसके बेटे को तुम्हारे आदमी ने क्यों मारा? ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर 6 बजे तक लड़की वापस नहीं आई तो इतने लोगों के लाइसेंस के साथ रिवॉल्वर ले रखी है, अगर शुरू हो गई ना तो शहर का एक एक आदमी मारा जाएगा। सर महारी क्या हो रहा है? ओके इन दोनों जात वालों ने अपनी झूठी शान के लिए पुलिस के 8 लोगों को पीटा जो अभी भी अस्पताल में सीरियस पड़े हैं। सर एसपी ऑफिस की मीटिंग में हूँ सर, बाद में बात करता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोन को पॉकेट में रखो। सर जो कह रहा हूँ करो। आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तो एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, खाना खा के आराम से सो जाओ, शाम को आना। तब लाशें गिन के देखेंगे कितने लोग मरे हैं। सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ये क्या कह रहे हो? डीएसपी का चार्ज ले रहा हूँ सर। पुलिस? यू मीन नाउ? हाँ जी सर, और कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द टाइम सर, पोस्टिंग ऑर्डर एसपी ऑफिस में फैक्स कर दीजिए। 6 बजे तक लड़की को रेस्क्यू करके आपको रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके I'm Surya Singham, Deputy Superintendent of Police, specially appointed by Home Minister for the communal clash. Sir, DGP office se posting order aaya hua sir. To phir itne dino tak off duty mein tha, surveillance kar raha tha sir. Ek charge. Sir, aaj jaisi meeting collector office mein hui thi, yahan bhi turant ek meeting arrange karni hogi. Carry on. Boss! सर इस प्रॉब्लम को भड़काने वाले दोनों तरफ के लोग जब यहाँ जमा हो जाएं तो तुरंत ही 3 घंटों के लिए हंगामा करने वालों को यहीं पर ब्लॉक करना होगा। मोबाइल फोन सिग्नल्स को जैमर लगाकर ऑफ करना होगा। कम्युनिकेशंस कटते ही आधा हंगामा थम जाएगा। विंसेंट सर, समुद्र किनारे के लोगों को सपोर्ट करने के लिए समुद्र के रास्ते से कोई नहीं आना चाहिए। कोस्ट गार्ड को तुरंत अलर्ट कर दो और 2 बटालियन पुलिस को बोट लेकर समुद्र में राउंड अप करने को कहो। व्यापारियों को सपोर्ट करने के बहाने हंगामा करने वाला शहर में नहीं घुसना चाहिए। NH3, NH8, पुणे हाईवे, नासिक हाईवे सब जगह चेक पोस्ट लगाकर ब्लॉक कर दो। 6 बजे से पहले किसी को अंदर मत आने दो। लड़की को आखिरी बार यही देखा गया था सर। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। एसपी ऑफिस में सभी बदमाशों को बंद कर दिया गया है सर। मैं मडगांव में हूँ सर। कितनी बोट समुद्र में काम करने गई है देखकर मुझे तुरंत फोन करो। ठीक है सर, ठीक है। चाहे कुछ भी हो हम सबको देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ। सर 144 इंप्लीमेंट करने की इंस्ट्रक्शंस दे दो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबू पांडे और जॉन तीनों यहाँ पर है सर। बाकी के 12 लोगों के फोन नंबर लेकर मुझे तुरंत SMS करो। 12 लोगों में से 7 लोग मिसिंग है सर। 5 लोगों का फोन बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहे। फोन ऑन करके अननोन नंबर नहीं उठा रहे, इसका मतलब कि नोन नंबर ही उठाएंगे वो लोग। सर आपने जो 5 नंबर दिए थे वो अभी पनवेल के टावर रेंज में ही है। सर पनवेल सेंटर यही है। सर वो रहा राज होटल और वो रूबी होटल। पंगा होने पर किस होटल में रूम बुक करते हैं?
मोबाइल फोन सिग्नल जैमर ऑन करके आसपास के सारे सिग्नल जैम कर दो। अच्छा अब लैंडलाइन से उनके नंबर पर फोन करो। यस सर। लाइन नहीं जा रही सर। यस। ये राइट साइड के सारे रूम चेक कर लो। यस सर। और आगे भी चेक कर लो। छह लोग चाबी दिया, छह लोग ने नहीं दिए। सर सारे रूम चेक किए हैं, सस्पेक्ट कहीं दिखाई नहीं दिया। छह लोगों ने चाबी नहीं दी, उनके रिकॉर्ड दिखाओ। फोन ऑट सेक्स कब हुआ था? आज सुबह ही सर। वो रूम तो बाहर से लॉक है सर। क्यों बाहर से लॉक करके अंदर भी तो रह सकते हैं? अपने मोबाइल फोन में हर एक अक्यूज का मोबाइल नंबर डाल करके रख। जी सर। और सब एक साथ फोन करना। ओके सर। जैमर ऑफ। यस सर। सबके पास एक ही नंबर से फोन आ रहा है। भाई उधर से बोट आ रही है। अंतने तू क्यों यहाँ आ रहा? यहाँ के बारे में पुलिस को पता चल गया है, लड़की को छोड़ भाग यहाँ से। चाल मद मस्त कज सबके हिल जाए, भूचाल से ये धरा झिंगारियां फूट दी धमनियों में है ऐसा लहू ये भरा। जल्दी जाए जिस राह पर कदम वही दुश्मन की सांसें भी जाए दम। यूं तो दिमाग उसका है गरम पर दिल फूल की तरह है नरम। आपने मेरे घर की इज्जत बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गलत राह पर चलने वाले स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे। स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाने के लिए स्कूल में एनसीसी मास्टर बनकर ज्वाइन किया। किस तरह से आपने इन्हें बचाया? ड्रग्स माफिया की बेवकूफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड द ईयर 2013 आवर टारगेट विल बी सिंघम इज बैक। ओह एक्सक्यूज मी, वो अब डीएसपी बन गया है। ओह रियली? वाह। डैड मैं अभी अपने सारे दोस्तों को ट्रीट देने जा रही हूँ। माँ तुम भी आ जाना। ठीक है। बाय। माय सन इन लॉ हैज बिकम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब से काव्या सब्जी खरीदने भी साइरन वाली गाड़ी में ही जाया करेगी। क्या कहा? सुना नहीं? जोक कर रही हो? बस यूं ही। गुड मॉर्निंग सर। अरे पेटू दादा, सर जब आप स्कूल में थे आपसे बदतमीजी की थी ना, वो ऐसा ही दरवाजे पे खड़े होके आप ही को घूर रहा है सर। उसे ऐसे ही भगा दूं या हमारे पुलिस स्टेशन में ही रखना है सर? अरे पांडे तुम्हें 10 सुअर मिलेंगे, 10 कुत्ते के पिल्ले मिलेंगे, शायद 8 गधे भी मिल जाए, लेकिन इस तरह का बछड़ा कहीं नहीं मिलेगा। इन्हें जहाँ छोड़ो वहीं चलेंगे, जितना खींचो उतना ही खिसकेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो पता नहीं होता, लेकिन गलती पर सीधा रिएक्ट करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। अंदर भेज दो उसे। करीम सर बुला रहे सर। जिस पुलिस वाले ने गलती की उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, आप किस काम से आए बताए बिना? स्कूल के बच्चों को सुधार रहे ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो, आपका आइडिया क्या है? जाने अनजाने में ऑब्जर्वेशन पूरा होने से पहले ही अचानक चार्ज देना पड़ा। भाई के लोग मुझ पर नजर रख रहे होंगे, मुझ उन्हें राह से भटकाने के लिए बस यही एक रास्ता था। करीम तुम साथ में रहना। यस सर। करीम भाई क्या हुआ, होंठ फैल गए, आंखें फटी पड़ी है, पछतावा हो रहा है क्या? आज तक किसी बड़े अफसर ने कभी मुझे इस तरह से सम्मान नहीं दिया। ओ। लेकिन इन्होंने मेरा मान रखकर सारे प्लान मेरे ही सामने बता गए। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
सर, सूर्या सिंघम, ही इज अ पुलिस ऑफिसर। होटल के ओपनिंग के इनविटेशन छपकर आ गए हैं सर। मैं एक दिन पहले ही इंडिया आ जाऊंगा, तब तक सभी को इनविटेशन भेज दो। सर, सर, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है सर, सर मेरी बात सुनिए। ये क्या है फिर? ओपन बार है तो स्टूडेंट्स को भी दारू पिलाएगा। इतना सोचूंगा तो धंधा नहीं हो पाएगा, वो खरीदते हैं तभी बेच। है बाजों में हजारों का बल, झुकता जिसे देख ये। साहब को मेरा नमस्कार। पुरानी कोई बात अपने दिमाग में मत रखिएगा साहब, आप जैसे शेर के सामने मैं तो तैयार हूँ साहब। फिर कर। अरे साहब ने मुझे माफ कर दिया, साहब ने मुझे माफ कर दिया। मेरा बाप मर गया, देता है ये असहाय को हर बोलिए ना बाबा। बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। है चाल मदमस्त गज सम की हिल जाए, भूचाल से ये धरा। सारे तेरे जमाने भाई की वजह से ही हो पाई है। तारियां फूटती धमनियों में है ऐसा लहू ये भरा। सर, आपके चेहरे पे मूछें ऐसी लग रही है जैसे शेर शिकार पे हो सर। तुम भी सच्ची सर? नहीं नहीं। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? गुजराती का भेष बदल कर घूम रहा था इसलिए पकड़ लाया। ए, कौन है तू? ए भाई मोड़, पीछे मोड़। अरे अरे सर, आपको भी मारने के लिए बम्पर ही मिला था। तुमने सही बदला हुआ है, इसे इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? किसने? इन्होंने क्या पकड़ा था मैं जानता हूँ। सभी लोग बोलते हैं ऊपर वाला भला करेगा, ऊपर वाला भला करेगा, एंड आई डिड समथिंग डिफरेंट। ऊपर वालों भलू करशे, नीचे वालों भलू करशे, ये सुन के इन लोग ने मेरे को पकड़ लिया। hey, ये अपना ही आदमी है, जाने दो इसे। हाँ। तुम घर जाओ। अरे अब मैं किसके घर जाऊँ? मैंने ही सहाय को पकड़वाया, ये समझकर उसके लोग गुस्से से चाकू और तलवार लेके मेरे पीछे पड़े। पिछले 10 दिनों से कभी काली माता के दरबार में, कभी कचरे के डिब्बे में, कभी कुत्तों के साथ डर डर कर जी रहा हूँ। रहने के लिए कोई सेफ जगह बताइए। मुंबई में तुम्हारे लिए खतरा है, तुम ऐसा करो दिल्ली चले जाओ, दीदी से मैं बात कर लेता हूँ, तुम वहाँ तो रह लोगे ना? 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की बियर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ओके सर। ओए सॉरी सर, भावना में बह गया था। सर, स्कूल से पगार मिलते ही यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा, तब तक मेरी सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भेजोगे क्या? थोपड़ा देखा है क्या? नहीं नहीं, ठीक है सर, गुलेल से काम चला लूंगा। सॉरी 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 सर, बताना पेट छे के इंडिया गेट छे? जॉगिंग करो जॉगिंग। कुल मिलाकर 15 लड़के, सभी 11वीं 12वीं के ही हैं। एक भी लड़के के पास लाइसेंस नहीं है, क्या करूं सर? गाड़ी जमा करके इनके पेरेंट्स को बुलाओ। क्या हुआ? मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया है, यही बताने आई थी। गुड, अच्छा हुआ जल्दी समझ गई। सॉरी सर, एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती ये बताया था आपने, लेकिन पुलिस अफसर से प्यार नहीं कर सकती ये तो नहीं कहा था। जब से आपने पुलिस यूनिफॉर्म पहन लिया, मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया। देखो सानिया, तुम जो महसूस कर रही हो वो प्यार नहीं है, इट्स आफ्टर ऑल इन्फैटुएशन। हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं, उसे तुम प्यार समझ के कंफ्यूज मत हो। तुम्हारी फैमिली का इस शहर में अच्छा नाम है, प्लीज उसे खराब मत करो। ओए, पुलिस की बात माना करो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। लेकिन आपने जो भी कहा वो मेरे भेजे में बिल्कुल भी घुसा नहीं। सॉरी सर। सर, सारे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को देखते ही तितर बितर हो रहे हैं, पर ये अकेली स्टूडेंट आकर सीधे डीएसपी से डीलिंग कर रही है, उसे आप कैसे डील करने वाले हो? तुम जाकर ट्रैफिक से डील करो। दिस इज कॉल्ड नाइंस ऑफिसर। इजी इजी इजी। सुनिए मैडम, उस पुलिस वाले से आप क्या बात कर रही थी? लवर्स के बीच हजारों बातें होती हैं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या कहा, लवर्स? बदसूरत काला बैंगन कहीं का, चल हट। मैडम काव्या, डोंट फॉलो मी। वो जगतराज है ना? जी हाँ सर। कार इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है?
चलो चलो। नमस्ते सर। सर नमस्ते। चलो जल्दी बोट चलाओ। आए ना सर। जल्दी उस बोट को फॉलो करो। जी सर। इसके आगे हम नहीं जा सकते। वहां भाई का जहाज खड़ा है सर। भाई का? तुम्हारे पास दूरबीन या टेलीस्कोप है? हाँ। ए, बोट घुमा, जल्दी घुमा। सर वापस चलते हैं। एक पुलिस वाला खुद को मास्टर बताकर सभी को चकमा देकर इसी शहर में घूमता रहा और इस सब पर ध्यान दिए भी नहीं साले ने। एक लड़की को किडनैप करके पंगा खड़ा कर दिया। ओए, मैं और भाई किस लिए दुश्मन बनकर शहर भर में घूम रहे हैं? हमारा धंधा दो नंबर का है। इस धंधे में भले ही हम फंस जाएं, मगर आप पर आंच नहीं आनी चाहिए। पता है ना कितना रिस्क लेकर हम यहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं। बात सुनो, हमने भी 10 दिनों तक पूरी छानबीन की है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट स्कूल के बच्चों के पीछे ही भाग रहा है, इसलिए हमारी बात उसे पता चलने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसके आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यह है ना अपना सहाय। मुझसे टुच्चे को आपने 12 लांच का मालिक बनाया, आपके लिए तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। कहाँ पर है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है हरे पांडे, सब लोग वापस थाने आ जाओ। ओके सर। 10 दिन तक जकार्ता में मीटिंग अटेंड करके डील साइन की मैंने, बाकी दिन डैनी के साथ शिप पर था। अपना सारा हिसाब किताब करके मैंने सारा पैसा डॉलर्स में सेटल कर दिया है। हाँ भाई, टुमारो डैनी इज कमिंग। क्या बात कर रहे हो? मेरे होटल की ओपनिंग पर आ रहा है। पर कोई नेता आने वाला था ना? डैनी सुबह फंक्शन पर नहीं, रात को पार्टी पर आ रहा है। सहाय, तुम खुद ही जाकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसे पिकअप करके आओगे, ठीक है? जिस जगत राज को हम सीधा साधा समझ रहे थे, वही उन गुंडों के ग्रुप का हेड निकला। 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन वेस्ट, प्लान चेंज करना होगा। वो क्यों सर? इस खेल को पहले सहाय से ही शुरू करना होगा। अगर हम उसे अरेस्ट करेंगे तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा सर। ड्रग केस में अरेस्ट करेंगे तो शक हो सकता है, कुछ और सोचना होगा। सर, 6 महीने पहले पनवेल के डेविड को सहाय ने खून करके समंदर में फेंक दिया था सर, वो कंप्लेंट आगे ही नहीं बढ़ी सर। बस यही, इसी में हम कहती है डेविड आखिरी बार तुम्हारे साथ था, लाश कहाँ फेंकी अगर तुमने नहीं बताया तो डेविड का मर्डर केस तुम पर डालकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। बता देता हूँ सर, कल जगत राज के होटल की ओपनिंग है, सेंट्रल मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मुझे वहीं रहना होगा। करीम। सर। तुम काली को समुद्र के बीच ले जाकर डेविड की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करो। सर। हरी पांडे सर। कल साय की तरह तुम सहाय का पीछा करते रहना। दामोदर सर, किसी भी बहाने से डेविड के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके लाओ। वो किस लिए सर? समुद्र से बॉडी मिलने के बाद वो सड़ी गली होगी, वो डेविड की ही है, इसे प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है। Back to police. Mm-hmm. Born and brought up police. Mm-hmm. Good. और कितनी दूर जाना होगा भाई? अभी 4 किलोमीटर और जाना है साहब। ए, गाड़ी निकाल। अब भाई। सहाय अपने लोगों के साथ घर से निकल गया है सर। ओके। सर ब्लड सैंपल ले लिया सर। वेरी गुड। यस डैनी। आई विल बी इन मुंबई दिस इवनिंग। Sahai will be there to receive you. Okay. See you in the evening. Tareem. जगह का पता चल गया है सर। गोताखोर छलांग लगाने के लिए तैयार है सर। Okay, carry on. Jump. क्यों रे, लॉन्च तैयार है ना? हाँ भाई। वो अपने लोगों के साथ समंदर की ओर जा रहा है। मंत्री जी जब तक यहाँ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस सर। जाने दो उसे। सानिया इधर आओ। पर मैं कैसे आओ ना। ओ
अरे निकाल निकाल, इस तरफ से उठा, आराम से आराम से। डेविड ये कंफर्म है सर। पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज को शुरू कर दो। रात को एक प्राइवेट पार्टी रखी है, अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जनता की नजर में हमारी दोस्ती दिन की ही रहने दो। यस सर, डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया सर। ओके। सहायक का मोबाइल नेटवर्क से बाहर है सर। उसके नंबर पर एक डमी मैसेज भेज दो, सिग्नल मिलते ही डिलीवरी रिपोर्ट आ जाएगी। ओके सर। यस सर। सहाय नेटवर्क में आ गया है सर। डेनी सर, डेनी सर, जेल प्लान वर्क, हार्बर वर्कर ट्रेन, सेफ्टी सेफ्टी, नो डाउट सेफ्टी। यस फॉर मी। गेट रेडी। रेडी सर। सर हम लोग बोट से आ रहे हैं सर। जल्दी आओ। सहाय बोट में आ रहा है सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। मूव। पुलिस फिशिंग हार्बर में इंतजार कर रही है। क्या कहा? वेलकम डेनी सर, वेलकम, ऑल दिस माय एरिया। भाई पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली है, भागो वहाँ से। भाई डेनी भी साथ में है। डेनी कौन है पुलिस नहीं जानती, तुम निकलो वहाँ से। हाँ डेनी सर, पुलिस 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 राउंड अप। व्हाई यू नो अरेस्ट? आई अरेस्ट। व्हाट शुड वी डू नाउ? यू नो रन। डोंट पैनिक। अपन को क्यों पकड़ा? अपन भाई का आदमी बताया ना। गाड़ी में डालो से। चल 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 चल। Who are you? What's your name? I am Michael Kong. What are you doing here? I work on the ships. Show me your passport. What are you doing with him? Sightseeing, eating fresh fish, having fun. I don't want to see you with him again. करीम सर, उन दोनों के पास वर्क परमिट और वीजा है, ये चेक करके आना जरा। यस सर। पासपोर्ट, जो है पासपोर्ट। About Indian police? You said Indian police? Sir, उसने मत मारी। सर, वीजा भी नहीं है, वर्क परमिट भी नहीं है सर। Illegal entry! सर, ऑलमोस्ट हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं। जगतराज। हाँ बोलिए भाई। डैनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। डैनी कौन है जाने बिना पुलिस ने अरेस्ट किया है? मैं पुलिस थाने पहुंच रहा हूँ। भाई जल्दबाजी में आप डैनी को फंसा मत देना। ठीक है, मैं एमएलए एमपी से अभी बात करता हूँ। ए पुलिस, तूने विदेशी पे हाथ उठाया ना, एम्बेसी वाला तुझे देख लेगा। तू अपन को अंदर कर ले। दूर क्या रहा है? यहाँ कोई नहीं चिल्लाएगा, समझ गया ना?
हेलो, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। डीएसपी है क्या? डीएसपी साहब एक मीटिंग में है सर। हेलो हेलो हेलो, कितनी बार फोन करूँ मैं राम नारायण बोल रहा हूँ। सहाय और दो विदेशियों को तुमने अंदर कर रखा है ना, उन्हें जल्दी से छोड़ दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जब शहर में प्रॉब्लम होती है तो पीएम या मिनिस्टर को फोन किया है क्या? एक होंडे को अरेस्ट किया तो आप डायरेक्ट मुझे फोन कर रहे हैं? सॉरी सर, फोन रखिए। मैं वाशी का एमएलए बोल रहा हूँ। नेताजी नमस्ते, देखिए समंदर में पानी बराबर है ना। पहले डीएसपी को फोन दो। अरे डीएसपी तो चेन्नई में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे नेताजी। मुझसे मजाक करता है? म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद जी को ही डीएसपी कहकर बुलाया जाता है ना। मुझसे मजाक करता है? मैं तुझे अभी बताता हूँ। पहले उसे बाहर निकालना है। किसे बाहर निकालना है? अबे उसी को जिसको पकड़ रखा है। इसका मतलब किसे पकड़ रखा है आप ये भी नहीं जानते? जरा मिल लीजिए। बोलो जगतराज, किसी की बात नहीं मान रहा है वो। उस कमीने को सिर्फ 10 मिनट के लिए थाने से बाहर निकाल दो। डैनी और सहाय को लॉकअप से मैं बाहर निकाल कर लाता हूँ। ओके सर, एक प्रॉब्लम है। सर सूर्या सिंघम। ये सर, मुझे तुमसे मिलना है, फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्या बात है सर, लगातार फोन आ रहे हैं। हमारे प्लान के मुताबिक अब जगतराज इनडायरेक्ट रिएक्ट करने लगा है। उस दिन सहाय को लड़की के केस में अरेस्ट करने के बाद अगले दिन आराम से उसे जमानत पर छुड़ा ले गए थे। अब इतने लोग उछल रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। आज रात को रिमांड में लेना होगा। पेपर्स रेडी करो, एसपी ऑफिस जाना है, उनकी फाइल्स भी ले आओ। सर ठीक है सर। ऐसा करो, लॉकअप की चाबी साथ ले लो। ओके सर। हे चलो रे, चलो थाने को। सर एसपी साहब बाहर गए हुए हैं, आपको वेट करने के लिए बोले हैं। बुलाया तो अर्जेंटली था। तुम अंदर वेट करो सर, मैं कंट्रोल रूम से पासपोर्ट चेक करके आता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैरी ऑन। ये सुन के मेरा सर चकरा रहा है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ इनका लिंक है सर। हमारे लोग आ गए हैं। घंटी जारी पर कोई उठा नहीं रहा सर। पुलिस स्टेशन में आग लगी हुई है सर।